हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पीएस ऑन कैमरा। जो लोग मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने मुंबई दर्शन वीडियो में कवर किया था इस प्लेस को, बिकॉज वो हमारे वन फुल डे टूर में था। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाजी अली दरगाह। इट इज ओपन ऑल डे एंड टाइमिंग इज 5:30 AM to 10 PM। अब बात करते हैं हम यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। सो हाजी अली दरगाह इज लोकेटेड क्लोज टू द महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल एंड बाइकुला रेलवे स्टेशन। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो घाट को ऊपर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू आ सकते हैं। सबसे ज्यादा रश यहाँ पे थर्सडे एंड फ्राइडे को होता है एंड एज पर द डेटा अप्रॉक्स 40,000 विजिटर्स एवरी डे यहाँ आते हैं। यहाँ पर ओनली लो टाइड के टाइम विजिट कर सकते हैं बिकॉज एक नैरो लेन बनी हुई है दरगाह तक जाने के लिए जो कि हाई टाइड के टाइम डूब जाती है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं हाजी अली दरगाह एंड इसकी एक्चुअल खूबसूरती को देखने के लिए तो आपको डेफिनेटली विजिट करना पड़ेगा। बट आप फिजा मूवी पिया हाजी अली सॉन्ग में भी देख सकते हैं जिसमें कि बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है हाजी अली दरगाह को। आपको पता है हाजी अली दरगाह में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली में हाई टाइड के टाइम भी समंदर का एक बूंद पानी दरगाह के अंदर नहीं जाता और इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जा रही किस्सों से चला आ रहा है। दरअसल पीर हाजी अली व्यापार के इरादे से मुंबई आए थे एंड वर्ली के इसी इलाके में रहने लगे। फिर उन्होंने यहीं रहकर अपने धर्म के प्रचार करते हुए उम्र बिताई। मक्का यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया और ऐसी मान्यता है कि हाजी अली की अंतिम इच्छा थी उनको दफनाया ना जाए बल्कि उनके कफन को समुद्र में डाल दिया जाए और इसी कारण उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी जगह पर आकर रुका। और आश्चर्य की बात ये रही कि बीच में कहीं भी हाजी अली का ताबूत ना डूबा ना ही उसके अंदर पानी गया, यहाँ पर आकर एक चट्टान में आकर रुक गया। इसके बाद उसी जगह पर उनकी याद में दरगाह बनाई गई और आज भी समुद्र हाई टाइड के समय भी हाजी अली शाह के रेस्पेक्ट की वजह से कभी अपने दायरे नहीं तोड़ता। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब 26 जुलाई 2005 को मुंबई में आई भयंकर बाढ़ से कई हिस्सों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा लेकिन दरगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह सुनामी के दौरान जब लाखों लोग मारे गए थे तो दरगाह जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हाजी अली दरगाह मुस्लिम के साथ साथ हिंदू समुदाय के लिए भी विशेष धार्मिक महत्व रखती है एंड दैट्स व्हाई ये मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं हाजी अली दरगाह आ पाई। आई विश कि यहाँ आने वाले हर एक इंसान की सारी मन्नतें पूरी हो। यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स मिल रहे थे वो भी बहुत सस्ते दामों पे। जैसे कि ये प्रिंसेस क्राउन मैंने ऑनलाइन 150 में लिया था लेकिन यहाँ पे मुझे 40 रुपीज में मिल रहे थे। सो आई मस्ट से यहाँ पे कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा सस्ती थी। एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाजी अली दरगाह। आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon for the notification. Till then, bye-bye.